अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज का मामला उलझ गया है। हुकूमत चाहती है कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क इलाज के लिए जाएं, वहां इलाज कराएं, मगर 7 अरब रुपए के इंडेमनिटी बॉन्ड जमा कराएं, जिसका उर्दू लुगत में मतलब है मुआवजा और तावान। मगर नून लीग का मौकफ है कि वो कोई भी गैर कानूनी शर्त तस्लीम नहीं करेगी। 5 दिन हो गए हैं ये मामला सुलझने के बजाय उलझ रहा है, क्योंकि हुकूमत को डर है कि अगर उसने नवाज शरीफ को आसानी से जाने दिया तो NRO का तासुर पैदा होगा और हुकूमत के लिए अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को मुतमईन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो फेस सेविंग के लिए शरायत रख रही है। इस बात का एतराफ़ खुद वफाकी वजीर अली जैदी ने हमारे कल के प्रोग्राम में किया था कि हम अपने वोटर सपोर्टर को अगर मुतमईन करना भी चाहते हैं तो इसमें क्या हर्ज है। वफाकी काबीना की जैली कमेटी ने कल 3 इजलास किए, फिर उसके बाद आज मुशावरत की और फिर हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए एक बार बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने की इजाजत होगी। 80 लाख पाउंड यानी 1 अरब 60 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 50 लाख अमरीकी डॉलर्स यानी 4 अरब रुपए और 1.5 अरब रुपए के बॉन्ड जमा कराने होंगे, यानी कुल 7 अरब से जायद के बॉन्ड जमा कराने होंगे। और ये बॉन्ड्स नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जमा करा सकते हैं। इसके अलावा वफाकी वज़ीर कानून ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फरोग नसीम ने कहा कि हुकूमत ने नवाज शरीफ को 4 हफ्ते के लिए 1 टाइम परमिशन दी है, मगर उन्हें 7.5 अरब रुपए के बॉन्ड्स जमा कराने होंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि उनको 4 हफ्ते के लिए एक 1 टाइम परमिशन दी जाए फॉर ट्रैवल अब्रॉड अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, एंड दिस इज सब्जेक्ट टू नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब सबमिटिंग एन इंडेमनिटी बॉन्ड टू द ट्यून ऑफ, उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन अभी हमने किया है, ये कोई 7-7.5 बिलियन रुपीज़ के लगभग आता है, और सब्जेक्ट टू दैट वो इंडेमनिटी बॉन्ड अगर दे देते हैं टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ही में प्रोसीड। अब आम बात यह है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं कि किसी सजा याफ्ता शख्स को जमानत के बाद बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई हो। यही बात वजीर आजम के मामले खसूसी शहजाद अकबर ने भी आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराई तो खुद वफाकी वजीर कानून ने उन्हें बताया कि ऐसी मिसालें मौजूद हैं। और फिर उन्होंने 2007 में रऊफ कादरी के केस की मिसाल बाकायदा तौर पर बताई कि वो तो रिपोर्ट हो चुकी है, और कहा और भी दीगर मिसालें मौजूद। साथ ही फरूख नसीम ने यह भी कहा कि हुकूमत बेल बॉन्ड नहीं मांग रही, इंडेमनिटी बॉन्ड मांग रही है और रूल्स एग्जीक्यूटिव को ये अख्तियार देते हैं कि वो कोई भी फैसला कर सकती है। अब हुकूमत ये समझती है कि वो इस केस में सियासी नहीं कानूनी अंदाज में देख रही है, मगर माहिरीन कानून पहले ये कह चुके हैं कि हुकूमत जमानत नहीं ले सकती। इस हवाले से हुकूमती ज़राए से खबर सामने आई कि हुकूमत स्टैम्प पेपर पर एक तहरीर चाहती है कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को स्टैम्प पेपर पर नवाज शरीफ की वापसी की जमानत देना होगी। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की अदम वापसी की सूरत में हुकूमत जमानती 7 अरब का दावा कर सकेगी। जमानती को ना तो पैसे जमा कराने हैं ना किसी प्रॉपर्टी के कागजात जमा कराने हैं। हुकूमत तहरीरी जमानत देने वाले शख्स की माली हैसियत का जायजा लेकर फैसला करेगी। गुज़िश्ता रोज़ काबीना के फैसले के बाद नून लीग ने साफ अल्फाज में किसी भी शर्त को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। आज भी नून लीग का अभी तक का मौकफ यही है, मगर क्या सोच रहे हैं नवाज शरीफ, क्या सोच रहे हैं शहबाज शरीफ, हमारे साथ मौजूद होंगे अताउल्लाह तारर साहब, आप डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नू लीग हैं, साथ ही जो जेली कमेटी थी हुकूमत की जो ये फैसला कर रही थी कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या उनको बाहर जाने के हवाले से क्या कंडीशंस लगाई जाएं, उसमें भी अताउल्लाह तारर साहब ही नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे थे। अताउल्लाह तारर साहब आपका बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब वफाकी वजीर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अताउल्लाह तारर साहब, क्या शहबाज शरीफ साहब कोई इंडेमनिटी बॉन्ड के लिए तैयार हैं और खुद नवाज शरीफ इस वक्त क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? पहली बात तो ये है कि हम ये समझते हैं कि ये जो इंडेमनिटी बॉन्ड वाली शर्त है ये विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है, ये इलीगल है, और शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल इंडेमनिटी बॉन्ड देने को तैयार नहीं हैं। और मैं अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये इत्तला मिली है कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से उनको वाटर रिटेंशन हो गया है और उनकी इस वक्त पैर जो हैं वो सूजे हुए हैं, और लगता ये है कि क्योंकि हार्ट ठीक फंक्शन नहीं कर रहा इस वजह से उनकी कंडीशन डे बाय डे डिटीरियरेट कर रही है। और मियां नवाज शरीफ साहब का इस पे मौकफ पहले दिन से बिल्कुल क्लियर था कि ये शरायत बिल्कुल क्योंकि इलीगल हैं। वो 3 मरतबा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, वो 22 करोड़ आवाम की इज़्ज़त पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और इस 7 अरब का लीगली जवाब नहीं बनता। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं जो 2 हाईकोर्ट के ऑर्डर्स जिसके थ्रू हमें बेल ग्रांट की गई है मैं उस पर भी रोशनी डालना चाहता हूँ
कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों ऑनरेबल हाई कोर्ट से जो बिल्कुल लीगल ऑर्डर की तरफ भी आप बिल्कुल तफसील से बताइएगा, मगर मैं फिर जानना चाह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब ने वाजे तौर पर मना कर दिया है और शहबाज शरीफ साहब ने भी मना कर दिया है, नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को मना किया है या शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किस सीक्वेंस में बात हुई? दोनों हमारे कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब दोनों का ये मौकफ है कि हम किसी सूरत किसी किस्म की श्योरिटी जमा नहीं कराएंगे, क्योंकि इस श्योरिटी का कोई जवाब नहीं बनता और ये जो गवर्नमेंट डिमांड कर रही है इनके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है ये श्योरिटी बॉन्ड्स डिमांड करने की। तो ये हमारा मौकफ बहुत वाजे है और दोनों साहिबान का ये मौकफ है कि हम किसी किस्म की श्योरिटी गवर्नमेंट को जमा नहीं कराएंगे, जो हमने जमा कराना था हम कोर्ट्स ऑफ लॉ में करा चुके हैं। तार साहब, अब जाहिर है जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला दोनों ने जो जमानती मचल के थे वो आप लोगों ने जमा कराए हैं, मगर अब जाहिर है कानूनी के साथ साथ एक सियासी मसला भी है, फिर सियासी के साथ साथ नवाज शरीफ साहब की सेहत का मसला भी, जो आप खुद बता रहे हैं उनके पाँव सूज गए हैं, फिर दिल का मसला है, उनको माइनर हार्ट अटैक ट्रीटमेंट के दौरान भी हो गया था, तो उनकी सेहत के लिए क्योंकि कैश में तो नहीं जमा कराना, ये गारंटी देने में बिल्कुल नहीं सोच रही नून लीग कि भाई गारंटी दें हुकूमत को और जाएं नवाज शरीफ साहब इलाज करा के वापस आ जाएं, बिल्कुल नहीं सोच रहे आप? शाहजेब साहब, बात ये है कि जुम्मे की सुबह, आज छठा दिन है, मैं जुम्मे की सुबह मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर गया और मैंने एक दरख्वास्त जमा कराई शहबाज शरीफ साहब के बिहाफ पे कि मियां नवाज शरीफ साहब का मेडिकल ग्राउंड्स पे नाम ECL से निकाला जाए और उनकी जो इस वक्त बीमारी है वो क्रिटिकल स्टेज की है, लाइफ थ्रेटनिंग है। तो मुझे ये बताइए कि पिछले 5 दिन का हिसाब हमें कौन देगा? ये जो पिछले 5 दिन ताखीर की गई इंडेमनिटी बॉन्ड की बात तो कल आई है ना जी, कल शाम को, और जब जुल्फी बुखारी साहब जिन पे नैब की इंक्वायरियां हैं, जब गौहरुल्ला साहब MQM के हैदराबाद से जिन पे नैब की इंक्वायरियां हैं, 25 ऐसे अफराद हैं जिन पे नैब की इंक्वायरियां हैं, उनका एक टेलीफोन कॉल के ऊपर जो है हुकूमत नाम निकाल देती है ECL से, तो एक ऐसा शख्स जो जिंदगी मौत की कश्मकश में है, उसकी लाइफ एट रिस्क है, उसका नाम निकालते हुए इनको श्योरिटी बॉन्ड याद आते हैं। तो इस हवाले से देखिए, अगर उनकी सेहत के साथ किसी ने खेला है और इस पे पॉलिटिक्स की है तो वो तरीके इंसाफ ने की है। और वो जो दोनों कोर्ट ऑर्डर्स का मैं हवाला दे रहा हूँ, उसमें अगर आप मुझे इजाज़त दें एलैबोरेट करने की, कल जैली कमेटी के सामने भी मेरा ये मौकफ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि 8 हफ्ते के बाद अगर मियां नवाज शरीफ के बिहाफ पे हम पंजाब हुकूमत के पास नहीं जाते बेल की एक्सटेंशन के लिए, तो हमारी बेल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। लास्ट टाइम जब मैंने अभी चेक किया है तो पंजाब में तो हुकूमत तहरीक इंसाफ की है ना जी, तो हमने जब 8 हफ्ते बाद कोर्ट ऑर्डर की कंप्लायंस में इनके पास जाना है और अगर हम नहीं जाते तो फिर ऑब्वियसली हमारे पे लीगल पेनल्टी भी लगेगी, बेल भी कैंसिल होगी, हमारी श्योरिटीज भी जो हैं वो जब्त कर ली जाएंगी। तो बात ये है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक लिमिट सेट की है और हुकूमत के पास जाने का कहा है तो उस पर एडिशनल कंडीशंस क्यों लगाई जा रही हैं? फवाद चौधरी साहब, मैं इजाफी शरायत जी, फवाद चौधरी साहब आप आखिरी बात जी जी, जी 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 पूरा कीजिए जी। इजाफी शरायत जो ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उस जुडिशल ऑर्डर को एग्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर ने भी कहा है कि दुनिया में आप जहां मर्जी इलाज करवाएं, मेडिकल ग्राउंड पे बेल का मकसद ही ये होता है, तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। मैं फवाद चौधरी साहब वाजे तौर पर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ दोनों का यह फैसला है कि ये जो 7.5 अरब रुपए का अमाउंट हुकूमत ने कोर्ट किया है ये नहीं दिया जाएगा और नवाज शरीफ साहब की तबीयत भी मजीद खराब हो रही है, आप क्या कहिएगा? हुकूमत क्या जो ये मौकफ है नून लीग का कि एक्सटॉर्शन कर रही है इस वक्त नवाज शरीफ साहब की सेहत को बुनियाद बनाकर, जो कि बहुत खराब सेहत? देखिए, पहले तो आपने अपने तवील इब्तदाइये में कुछ ऐसी बातें की हैं जो दुरुस्त नहीं हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आपने पता नहीं अपनी ही किसी डिक्शनरी से इंडेमनिटी बॉन्ड का जो तर्जुमा किया है वो तावान का किया है, हालांकि इंडेमनिटी बॉन्ड का जो तर्जुमा है उर्दू में वो जर तलाफी है। ये जर तलाफी आप देख लीजिएगा उर्दू लगत कि मैं गारंटी देता हूँ, अगर जी आप देख लीजिए उर्दू लगत, आपको पता चलेगा, लीगल लगत देखें ताकि आपको पता चले। दूसरी बात आपने कही कि तमाम जो वकला हैं वो कह रहे हैं कि ये लीगल नहीं है। अभी मैं 7 बजे सलमान अकरम राजा साहब को रिपोर्ट कार्ड पर सुन रहा था, जो यकीनी तौर के ऊपर PTI के लॉयर नहीं है, वो कहते हैं कि लीगल है, मगर उन्होंने भी कहा कि गैर माकूल अमाउंट है। सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि गैर माकूल अमाउंट है, ये माकूल नहीं है। आपको पता है ये अमाउंट सेटल कैसे की गई है?
जी आपने बताया, मैंने वो भी डिटेल बताई, अगर आपने सुनी हो शुरू में कि किस तरीके से कितने मिलियन पाउंड उन्होंने कहा है एवन फील्ड को मिला के अलजीजिया को मिला के किस तरीके से किया गया है। नहीं 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 देखिए ये अलजीजिया और एवन फील्ड को मिला के किया गया है ना, तो ये अदालतों ने सेटल की है, ये हमने सेटल नहीं, अदालत ने कैसे सेटल की, अदालत ने एक जजमेंट को सस्पेंड किया हुआ है एवन फील्ड वाली को, दूसरी में अभी हेल्थ ग्राउंड पर सस्पेंड करके उनको बेल दिया, तो और अदालत ने जमानत में वो इतने पैसे नहीं लिए जितने आप मांग रहे हैं। होती है नहीं नहीं अदालत में सस्पेंशन होती है, उन्होंने जो जुर्माना किया हुआ है ये अदालत ने तय किया, और आपके नजदीक गैर माकूल हो सकता है, मैं अदालतों के बारे में सलमान अकरम राजा साहब ने कहा गैर माकूल है, जिनको आपने कोर्ट किया है, सलमान अकरम राजा साहब को आप एक लम्हे के लिए कोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका आगे का जुमला बता रहा हूं, आप कह रहे हैं मेरी नजर में, बात सुन लीजिए ना, देखिए अब सी क्या बात सुन लीजिए, सिंपल बात यह है, फैसला अगर जितना अदालतों ने अगर ECL से हटाना होता तो अदालतें ECL से हटा देती, अब उन्होंने ये जिम्मेदारी डाली है वफाकी हुकूमत के ऊपर, वफाकी हुकूमत ने फैसला करना है कि नवाज शरीफ साहब, पहली बात तो ये है कोई मिसाल नहीं है इस तरह की जिस तरीके किसे नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज रहे हैं, इमरान खान चूंकि एक ह्यूमन आदमी है, एक बहुत दिल रखने वाले आदमी है, वो सियासी मुखालफों के बारे में भी उनकी जो सोच है वो मुख्तलिफ है हमारे बाकी सियासी लीडरशिप से, वो उनका पूरा एक स्टैंड रहा है इसके ऊपर, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि सही है चले बीमार हैं सब कह रहे हैं, मैंने इंडिपेंडेंट तहकीक भी की है, बीमार हैं उनको बाहर भेजते हैं, अब कानून आ जाता है, कानून ये है कि वफाकी काबीना ने ये तसल्ली करनी है कि ये बाहर भेजने का फैसला वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आप जो 3-4 दिन से आप कह रहे हैं कि उनको बाहर भेज दें, महीने बाद अगर अदालत बुलाएगी वो ना आ सकें सेहतमंद होकर, आपने ही प्रोग्राम करने हैं कि हुकूमत ने मफरूर करा दिया, अब सवाल ये है कि जिस तरीके से यहाँ पे इस वक्त नवाज शरीफ साहब के ऊपर कोई मसला नहीं है, वो बाहर चले जाएं उन्होंने इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करके, लेकिन हो क्या रहा, हो ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त अपनी फैमिली की पॉलिटिक्स में जो है वो इस हालत में है, एक तरफ मरियम नवाज शरीफ हैं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हैं, दोनों नवाज शरीफ के तख्त के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, दोनों अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस पॉलिटिक्स में नवाज शरीफ अपने ख़ानदान की तहवील में है, ये जैसे पुराने मुग़लों में होता था बादशाहों में होता था कि जो ही बादशाह जो है बीमार होता था उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती थी, यही इस वक्त PMLN में हो रहा है, बाकी आप उसको इधर का रंग दें उधर का रंग दें, ये वाली बात अताउल्लाह तारा साहब से पूछता हूं क्योंकि आप बार बार कहते रहे कि ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है, तो आज फरूख नसीम साहब ने कहा कि मिसाल मौजूद है, मैं जरा आपको दिखा दूं, फिर मैं फरूख नसीम साहब का ये मौकफ दिखा के आपका मौकफ लेके मैं अताउल्लाह तारा साहब की तरफ जाऊंगा। जी कन्विक्टेड प्रिजनर का मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे नजर में कोई ऐसा प्रेसिडेंट पहले से मौजूद नहीं था, कन्विक्टेड का है, रूफ भी कादरी का है, उसको हमने अपने ऑर्डर में भी लिख रहे हैं कि रूफ भी कादरी के केस में कन्विक्टेड थे, फिर भी वन टाइम परमिशन दी गई है, और भी प्रेसिडेंट्स हैं मुझे याद आ रहे हैं, लेकिन रूफ भी कादरी का तो रिपोर्टेड जजमेंट है 2007 का, मतलब मिसाल भी थी उन्होंने कहा और भी जजमेंट्स हैं और उसमें इंडेमनिटी बॉन्ड भी नहीं लिया गया था, मिसालें हैं कि लोगों को जाने दिया गया वन टाइम, नहीं मुझे नहीं पता, अगर मेरे जेन में नहीं है, मैंने जो मेरे नज़र से कभी नहीं गुजरी। अच्छा दूसरी बात यह है इंडेमनिटी बॉन्ड क्या है, इंडेमनिटी बॉन्ड है, शहबाज शरीफ ने एप्लीकेशन दी है, शहबाज शरीफ साहब एप्लीकेशन दे के कह रहे हैं कि हमारे भाई साहब को जो है वो बाहर भेजा जाए, हम कह रहे हैं कि उनके ऊपर ये जुर्माने हुए हैं, आप मेहरबानी करें आप हमें लिख दें कि शहबाज शरीफ साहब के आप जिम्मेदार होंगे नवाज शरीफ साहब की वापसी के, इसमें कौन सा जुल्म हो गया है, मगर जाहिर है कि आप फॉर एग्जांपल मैं शाहजेब खान ज़ादा साहब को ये आपके मैं जिम्मे लगाऊं कि आप नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं आपकी आप इसकी जमानत देंगे या नहीं देंगे या, तो आपने फैसला करना है ना, आप देखेंगे कि क्या सूरत हाल, क्योंकि दूसरे देखिए इनका रिकॉर्ड बहुत खराब है, रिकॉर्ड ये है कि इनके समधी बाहर गए वापस नहीं आए, मगर मैं फवाद चौधरी साहब मैं अताउल्लाह तारा साहब से जवाब लूंगा, मगर आप पिछले दिनों हमारे शो में आए तो आपने कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, फिर आपने दूसरे टॉक शोज में भी जाके कहा आज तक ऐसा नहीं हुआ, फिर आपने काबीना के इजलास में भी रिपोर्ट हुआ तसी कर दीजिएगा कि आपने कहा कि आपके 16 साल करियर में ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने दी है, मैंने फरूख नसीम साहब का मिसाल मैंने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं आज तक, मतलब इतने आपने 7 बजे रिपोर्ट कार्ड में सलमान अकबर राजा को देख लिया और उतना ही देख लिया जितना आपने देखना था, अपने फरूख नसीम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, आपने कहा नहीं वो पता नहीं वो छोड़ दे मैंने देखा, इतने दिन से आपने यही मुद्दा अपनाया हुआ है, पहले मिसाल है मैंने वो केस नहीं देखा, अताउल्लाह तारा साहब जी जवाब दीजिएगा, क्या ये सियासी लड़ाई है शरीफ खानदान के अंदर की सियासी लड़ाई है और हर एक को तख्त चाहिए जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब को कुर्बान किया जा रहा है जो कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। देखिए जो मेरे भाई ने यहाँ बात की, इनको क्या पता सियासी वफादारी क्या होती है,
या किसी एक पार्टी में रहना क्या होता है, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता। ये जो तोता मैना की कहानी के तख्त पे कब्जा, एक ऐसा शख्स जो क्रिटिकली इल है उसके बारे में इस तरह की बात करना, मैं समझता हूँ इट इज़ बिलो डिग्निटी। 40 साल से हमारे मुखालफीन की ये ख्वाहिश भी रही है और कोशिश भी रही है कि फैमिली में भी फूट डले और पार्टी में भी फूट डले। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ फैमिली यूनाइटेड है, यूनाइटेड खड़ी है और यूनाइटेड खड़ी रहेगी। इनकी ख्वाहिश होगी, ये रोज़ दुआ करते होंगे, मगर इनकी ज़िंदगी में इनको ये देखना इंशाल्लाह नसीब नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि मुझे पाकिस्तान की तारीख में आप एक मिसाल बता दें कि एक शख्स जिसको कन्विक्शन हुई हो और वो अपनी मरती हुई बीवी को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के पाकिस्तान वापस आके उसने अथॉरिटीज़ के सामने सरेंडर किया हो। 6 जुलाई 2018 को कन्विक्शन होती है और 13 जुलाई 2018 को मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ आके कानून के सामने जो है वो अपने आप को सरेंडर करते हैं। तार साहब ये वाली मिसाल जुर्माने की बात बताइए, तार साहब मुझे एक बात बताइए, देखिए बात सुनिए, शहबाज शरीफ साहब की तो पोजीशन और बयानिया नवाज शरीफ साहब से अलग रहा है। अगर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं अपने सियासी नजरिए पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मेरी जान चली जाए, समझ में आता है, शहबाज शरीफ साहब की तो इतने आइडियोलॉजिकली वो नहीं रहे, वो तो इदारों से लड़ाई बयानिया नवाज शरीफ के आपके साथ नहीं खड़े हुए, वो कैसे कह रहे हैं कि भाई साहब आपकी जान चली भी जाए मैंने इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं देना, वो कब से नजरियाती हो गए, वो कैसे नजरिए पे खड़े? देखिए बात यह है कि पार्टी के अंदर हर तरह की सोच मौजूद होती है, लोगों की अपनी अपनी राय मौजूद होती है, मगर जब एक बात पे कंसेंसस हो जाए तो फिर उस पर यूनिटी के साथ जो है वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी कराई जाती है। दूसरा, मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें, जो जुर्माने की बात की जा रही है, एक तो एवन फील्ड के केस में जो है वो सज़ा मौतल है, दूसरा अभी सेंटेंस सस्पेंड हुआ, एंड टू ऐड टू दैट हमारी दोनों मेरिट्स पे अपीलें पेंडिंग हैं, तो जब तक वो अपीलें डिस्पोज ऑफ नहीं होती कोर्ट्स की तरफ से तो इस जुर्माने की हुकूमत को बात करने की तो मेरा ख्याल है उनके पास जवाब ही कोई नहीं है। और ये एक ऐसे शख्स की सेहत के ऊपर सियासत करना, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल एक इंसानियत से भी इन्होंने इंसानियत से आरी चीज़ है और ये बेहिसी की और इंतकामी सियासत की आखिरी हद तक चले गए। ऑप्शन है ना कि आप साइन करके दें, हुकूमत आपसे कैश नहीं मांग रही, नवाज शरीफ साहब को जल्दी से बाहर लेके जाएं, आप खुद ने आपने बताया कि उनके पैर सूज रहे हैं और तबीयत खराब है, उसके बाद कानूनी तौर पर अदालत में चैलेंज करें। इतनी बड़ी तादाद है सीनियर तरीन कानूनदानों की जो कह रहे हैं कि गलत है ये काम और ये कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, आज अली जफर साहब ने भी कहा कि भाई कानूनी तौर पर इसकी गुंजाइश नहीं है, तो आप चैलेंज कर दें अदालत में, मगर नवाज शरीफ साहब को तो ले जाए बाहर साइन करके। जी जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं इस्लामाबाद से जैसे ही आया हूँ आते साथ ही हमने अपनी लीगल टीम से मशावरत की है और हम इमरजेंसी बेसिस के ऊपर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं दोनों हाई कोर्ट के फैसलों की रोशनी के अंदर, और आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है बिल्कुल अर्जेंट बेसिस के ऊपर इसके ऊपर किसी ना किसी फोरम पर हम जाएंगे। जी फवाद चौधरी साहब, क्योंकि इंसानी बुनियादों पर कहा गया था कि वज़ीर आज़म ने यह फैसला किया है और जुम्मे तक कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी गई थी, ये बाद में किसका आइडिया है कि यह कंडीशन रखी गई है? क्योंकि वज़ीर आज़म की तरफ से जुम्मे को नईम उल हक साहब हों, इसके अलावा दूसरे वज़रा हों, शेख रशीद साहब हों, सब ने कहा था कि जी वज़ीर आज़म ने कह दिया चले जाए, कंडीशन की बात नहीं की गई थी, किसका आइडिया था बुनियादी तौर पर कि वज़ीर आज़म ने यह बात की? देखिए बुनियादी तौर के ऊपर आपका जब कैबिनेट में बात आती है और उस वक्त जो कानूनी, ये सिर्फ सियासी मसला नहीं है, ये कानूनी मसला है, आपने कानून और सियासत को दोनों को सामने रखा है। नवाज शरीफ साहब को पहली बात तो ये है कि मैं तो समझता हूँ कि मैंने तो पहले भी कहा कि एक तो पहले तो इस पर तो माफ़ी मांगे ना, PMLN के 30 सालों में एक अस्पताल नहीं बना सके जहाँ पर उनका इलाज हो सके, अब आप कह रहे हैं बाहर भेजें, आप उनको बाहर भेज दें। अब ये सवाल ये है कि इसके ऊपर मुझे तो एतराज़ ही की समझ नहीं आई सिवाय इसके कि इनकी अपनी सियासत है कि आपने इंडेमनिटी बॉन्ड देना है उनको बाहर ले जाएं। इंडेमनिटी बॉन्ड भी हमने नहीं देना है, नवाज शरीफ साहब भी बीमार हो गए हैं, लुट गए मर गए बर्बाद हम हो गए हैं, हमने बाहर भी नहीं जाना है, तो भाई 5 दिनों से आप क्यों अगर जाके अदालत से ही फिर आप NOC ले लेते जाके, फिर इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत थी? इसका प्रॉब्लम इनका ये है इस वक्त कि इनको अपनी सियासत नवाज शरीफ की सेहत से ज़्यादा अजीज़ है, और ये जो सारे चमचे कड़चे इस वक्त इकट्ठे हुए हैं, कभी कुछ शहबाज शरीफ के साथ लगे हुए हैं, कुछ मरियम बीबी के साथ लगे हुए हैं, वो अपनी अपनी साजिशों में लगे हुए हैं। इस वक्त इसका कोई पाकिस्तान की सियासत से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत से है जिस पर इन्होंने नवाज शरीफ को जो है वो इस तरह से यरगमाल बनाया हुआ है। आप आराम से इंडेमनिटी बॉन्ड शाया करें, उनको बाहर ले जाए। क्या कल कोई अदालत में जाके चैलेंज करेंगे, ये भी डिस्कस हुआ है आप लोगों का, क्या आप अदालत में जाके चैलेंज करें? बिल्कुल बिल्कुल ये ज़ेरे गौर है, तमाम तर तैयारी हम इस पर कर रहे हैं, और ये जो चमचे कड़चे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है,
और मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मगर बात यह है कि पार्टी के अंदर किसी किस्म का, आप पूरा जोर लगा लें, आप कोशिश कर लें, पार्टी के अंदर कोई दरार नहीं डलेगी। आपकी वफाकी हुकूमत 11 सीटों पे कायम है, आपने नीचे जहांगीर तरीन का जहाज़ इस्तेमाल करके अपनी जो पंजाब की हुकूमत है वो 7 सीटों पे कायम है। आप भरपूर कोशिश करने के बावजूद हमारा एक मेंबर नहीं तोड़ सके, आपने पूरी कोशिश करके देख ली है, तो हमारी पार्टी में कोई दरार नहीं है। और सेहत के ऊपर इस तरह की सियासत जो है इसको आपने फ़रोग दिया है, और आपने 5 दिन वेस्ट करने के बाद कैबिनेट में जाके जब 3-4 वज़रा ने प्रेशर डाला वज़ीर आज़म के ऊपर, तो उन्होंने जाके ये कंडीशन लगा दी 7 अरब वाली, जो जो कोर्ट्स के ऑर्डर्स के मुनाफी है। और दूसरी बात ये कि बार बार ये बात करना कि मैंने बीमारी वेरीफाई की है, बीमारी के हवाले से पहले दिन से कोई शक व शुबा नहीं था। ये बयान भी वज़ीर आज़म का काबिले मज़म्मत है कि जी मैंने चेक करवाया वो वाकई बीमार हैं। यानी इतना अरसा गुजर जाने के बाद कि जब वो पंजाब गवर्नमेंट के तहवील में रहे हैं, वहाँ पे सर्विसेज हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल बोर्ड के अंडर ट्रीटमेंट रहे हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। अब ये कानूनी मसला है या सियासी मसला है? कानूनी तौर पर अब जाहिर है हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, वज़ीर कानून है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, जिन्होंने ये ऐलान किया। तो देखिए कि आज हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ ही के रहनुमा जो एक सीनियर वकील हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही के सेनेटर जो कि एक वकील हैं, वो क्या कह रहे हैं इस फैसले के हवाले से। मियां साहब का केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, अपील है, उसके अलावा हाई कोर्ट ने उनको बेल पर रिहा कर दिया है। जब बेल पर रिहा कर दिया है और उसकी एक उन्होंने जमानत ली हुई है उनसे, उसके बाद एक और एडिशनल कंडीशन जो कि जमानत ही के लेवल की हो उसको इम्पोज करना, मैं समझता हूं कि लॉ में एक इनोवेशन है। मैं इसको इनोवेशन इसलिए कहता हूं कि इससे पहले इसकी कोई नज़ीर एज सच इस किस्म के मामलात में नहीं आई। हुकूमत के एक इत्तेहादी की हैसियत से मैं ये बात मुखालफत में नहीं बल्कि हमदर्दी में कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को शायद ये जो मशवरा दिया गया है, चूँकि PTI का एक नरेटिव रहा है कि हमने किसी सूरत में NRO नहीं देना, कोई फैसिलिटेट नहीं करना, उससे अब आवाम के सामने एक जवाब पैदा करने के लिए कि जी ठीक है अगर ये जाते हैं तो हम बड़ी मजबूरी में इनको छोड़ रहे हैं, लेकिन ये 7 अरब रुपए दें। अब 7 अरब रुपए की अमाउंट, और उसको वज़ीर कानून साहब ने ये कहा कि इसको मैं लिंक कर रहा हूँ उस अमाउंट से जो कि डिस्प्यूटेड है, जिस पे कोर्ट ने इनको सज़ा का वो किया हुआ है या जो सस्पेंड है इस वक्त सिंस अपील में इस वक्त। मैं ये समझता हूँ कि ये अगर ऐसे ही इतनी बड़ी अमाउंट कि अगर कोई वैलिडेशन होती, कोई 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 लेजिटिमेसी होती, तो कोर्ट खुद ही इनको जमानत देते वक्त ये कह देती कि आप इसके मुकाबले आपके ख्याल में बैरिस्टर फरोग नसीम साहब ने ये जो आज ऐलानात किए ये उन्होंने आईन और कानून के मुताबिक किए या उनकी उनकी सियासी ज़रूरत थी या कोई पॉलिटिकल डिक्टेट कर रहा था उनको? सर मैं समझता हूँ कि ये एक सियासी कंपल्शन के तहत इकदाम किया है, और मैंने इसको एक इनोवेशन इसलिए कहा है कि ये एक नई बात है, एक इख्तिरा सी है, नई एक नया ट्रेंड इन्होंने सेट कर दिया। इसके एज सच कोई प्रेसिडेंट नहीं है और ख़ासतौर पर क्रिमिनल लॉ में इसकी कोई प्रेसिडेंट नहीं है। ठीक, जो कंडीशन लगा दी कि आप जा तो सकते हैं लेकिन साथ आप श्योरिटी बॉन्ड दें, मुझे कोई कानून या रूल नहीं नज़र आया जिसके तहत एक हुकूमत जो है या काबीना जो है ECL पे भेज निकालते हुए नाम ये कंडीशन इस किस्म की लगाए। अली जफर साहब का भी ये कहना है जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, खुद बैरिस्टर सैफ साहब ये कह रहे हैं, रशीद रिजवी साहब की भी यही राय है। हमारे साथ आबिद हसन मंटो साहब जो कि माहिर कानून हैं, सीनियर कानूनदान हैं, वो मौजूद हैं। मंटो साहब बहुत शुक्रिया। मंटो साहब, कानूनी तौर पर कोई भी ऐसी गुंजाइश है कि जमानत की ये रकम या इस तरीके से इंडेमनिटी बॉन्ड हुकूमत ले सके? देखिए बात यह है कि जब अदालत ने तो उनकी जमानत मंजूर कर ली ना, तो ये इंडेमनिटी बॉन्ड तो जो जारी कर रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे वापस आएंगे वगैरह वगैरह, क्योंकि ये बातें जो हैं वो कानूनी नहीं है, जो सारी पॉलिटिकल गिमिक्स है ना, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, तो इसके बारे में कोई कानूनी बात कहना कि दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त, तो बेमानी है। ये मामला सारा पॉलिटिकल है, उनको जेरबार करना, उनको तंग करना, जो उनके काबू में इस वक्त पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटी के, ये उनका वो इस वक्त कर रहे हैं, तो ये काफ़ी घटिया सतह के ऊपर सियासत यहाँ पे हो रही है, ये कोई मासूम सियासत नहीं है। और सब मगर हुकूमत का ये मौकफ के कानून में कोई मुमानियत नहीं है कि हुकूमत अगर ECL से निकालती है, या कोई ऐसा कानून नहीं है कि हुकूमत ये कंडीशन नहीं लगा सकती है, इसमें कितना वजन है? नहीं, ये तो माकूल दलील नहीं है, क्योंकि कानून में पैसे लेने
या किसी किस्म का जेरे बार करने किसी आदमी को, उसके लिए डेफिनेट क्लियर कानूनी जवाब होना चाहिए। वो ये नहीं है कि जो कि नहीं लिखा हुआ इसे जो मर्जी कर सके। मसलन कानून में बेशुमार बातें नहीं लिखी हैं कि वो क्या हमारे मौजूदा हुकूमत जो है वो अपनी मर्जी से तमाम उन लोगों को जो उनके खिलाफ है उनको जेरे बार कर सकती है। ये तो नहीं हो सकता, ये कानून ऐसे तो नहीं होते। कानून में किसी आदमी को जेरे बार करना, इसके लिए डेफिनेट क्लियर लीगल प्रोविजन चाहिए और ज़रूरत चाहिए। ये तो पॉलिटिकल बात है ना, इसलिए इस पर कानूनी बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये तो आउट राइट पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, सियासी बुनियादों पर इसको मुस्तरद कर देना चाहिए। आबिद हसन मंटू साहब कह रहे थे कि कानूनी तौर पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। चौधरी शुदात हुसैन साहब काफली के सरबरा हैं और तहरीक इंसाफ के इत्यादि हैं, उनका भी बयान सामने आया, वो भी आपके सामने रखेंगे। और फिर आशा तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि वो भी पिछले हफ्ते तक कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें फौरी तौर पर जाना चाहिए, वो इस हवाले से क्या सोच रहे हैं।